जो के कहने वाले हैं उनसे पूछिए। बिहार का चुनाव तो 25 में है, जिनको इतनी बेचैनी है, जो अभी हाल में हारे हैं, वो अभी तक उनको लगता है कि तुरंत उनको सत्ता मिल जाता है। सत्ता तो मिलने वाली नहीं, 25 के बाद भी उनको यही दिक्कत आएगी, 26 में यही देखना पड़ेगा उनको। यादव बिहार की यात्रा पर हैं और कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मेरे यात्रा में जासूस भेज रहे हैं। अब इतना नीतीश कुमार का दिन नहीं खराब हुआ है कि तेजस्वी यादव के लिए जासूस भेजा जाए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव ने जब मौका मिला तो कुछ किया नहीं, और अब वादे का क्या होगा? जो काम वादा कर रहे हूँ केवल अपने परिवार के लिए पूरा करेंगे। आज तक बिहार की जनता के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, जो भी काम किया अपने परिवार के लिए ही किया, बाकी तो लोगों का जमीन लिखवा के काम किया है। सर, एक विज्ञापन तेजस्वी यादव ने जारी किया है जिसमें कहा है कि भ्रष्टाचार का विज्ञापन दिया गया मंत्रियों के द्वारा, ये बड़ा आरोप लगाया गया। कल एक विज्ञापन आया था, उसी को उन्होंने ट्वीट किया अभी। एनडीए सरकार के द्वारा वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर जदयू विधायक गुलाम रसूल बाल यावी ने सीधे तौर पर विरोध किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार मुस्लिमों के खिलाफ काम करती है। साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव की यात्रा पर बड़ा प्रहार करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव व्यवसाय की यात्रा करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जब भी यात्रा पर निकलेंगे तो वह जनता के लिए यात्रा पर जाते हैं। हमारे नेता समस्याओं के समाधान की यात्रा करते हैं। भाई, जेपीसी में जो गया है, जो लोग हल्ला मचा रहे उनकी वजह से नहीं ना गया है, जेपीसी में चला गया है। जेपीसी में दलों के राय के साथ साथ देश से भी राय मांगा गया है, और हमको लगता है कि मुस्लिम समुदाय से ज्यादा देश के बहुसंख्यक समुदाय ने भी राय दिया है कि साहब ये देश हित में नहीं है, और ये कहीं से भी दान की जमीन को किसी दूसरे कार्य में नहीं लाया जा सकता, अंडरटेकिंग नहीं किया जा सकता है। गुरुद्वारा है, चर्च है, गिरजा है, मस्जिद है, दरगाह है, मठ है, मंदिर है, ये सब दान की जमीनें आस्था की है ना, तो इस पर जेपीसी में चला गया है। और अब जेपीसी में सारे दल के लोग हैं और देश की राय भी आ रही है, जो आएगा देखा जाएगा। भाई, जेपीसी में जो गया है, जो लोग बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने मीटिंग खत्म होने के बाद कहा कि संगठन को और मजबूत बनाने और 2025 की तैयारी पर चर्चा हुई है। वहीं तेजस्वी यादव के द्वारा उनके और कई मंत्रियों के विज्ञापन को भ्रष्टाचार से जोड़ने पर कहा कि जो लोग भ्रष्टाचार में डूबते रहते हैं उन्हें दूसरा चीज नजर नहीं आता। जासूसी उनकी कराई जाती है जिनसे डर हो, जिनसे भय हो, भाई कौन क्या कर रहा है। तो हमारे नेता ने आज तक 18 साल में उनके पिताजी की तो जासूसी कराई नहीं, जो मजबूत थे, जिनका आधार था, जिनको लोग मानते थे, उनकी तो जासूसी कराई नहीं, तो इनकी जासूसी काहे के लिए कराएंगे। हमारे नेता इस सब में विश्वास नहीं करते हैं। हम लोग काम पर विश्वास करते हैं, विकास पर विश्वास करते हैं, सबको साथ लेके चलने पर विश्वास करते हैं, और हमारा पूरा का पूरा मछली के आंख की तरह हमारे नेता का फोकस उन्हीं सब कामों पर रहता है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि विज्ञापन जारी करके मंत्री जो है वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, एक बार सूची। जो लोग अखंड भ्रष्टाचार में डूबा रहता है ना, जो
बिहार के बेगूसराय से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहाँ एक हॉस्पिटल से नवजात बच्चे को SNCU से चुराया गया। बच्चे के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है और वो किसी भी हालत में अपना बच्चा वापस मांग रहे। वहीं बच्चे को चुराने का जो CCTV फुटेज है वो भी सामने आया, जिसमें एक बुजुर्ग महिला बच्चे को चुरा कर ले जाते हुए दिख रही है। CCTV में देखा जा सकता है कि एक बुजुर्ग महिला SNCU में दाखिल होती है और नवजात बच्चे को कपड़े में लपेट कर उठा ले जाती। दरअसल शहर के लोहिया नगर निवासी नंदनी देवी को कल शाम प्रसव पीड़ा होने के बाद सदर अस्पताल बेगूसराय में भर्ती कराया गया था। यहाँ शनिवार की रात नंदनी देवी ने एक बेटे को जन्म दिया और उस बच्चे को सदर अस्पताल के SNCU में भर्ती कराया गया। रविवार की शाम 7 बजे जब बच्चे को दूध पिलाने के लिए बच्चे के परिजन SNCU में पहुंचे और नर्स से बच्चे की मांग की तो पता चला कि बच्चा गायब है। बच्चे के लापता होने की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और सभी परिजनों ने SNCU पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। इस घटना से परिजनों में काफी आक्रोश है। हाँ सर जी, हम आशा बहु हैं। 10:30 बजे कल रात में बच्चा हुआ है। बच्चे माँ को हम SNCU में आके भर्ती कर दिए थे। अब अभी पता चला कि मेरा बच्चा नहीं है, समझे। कैसे पता चला आपको? पता चला बच्चा के माँ बच्चा को पिलाने के मांगने गई तो बोले कि बच्चा नहीं मिल रहा है। क्या लगता है नहीं मिल रहा है सर? हम लोग परेशान हैं, हमको बच्चा चाहिए जहाँ से हो। अभी मतलब हम अपने वार्ड को फोन किए थे, ठीक है, तो हम बोले कि बच्चा खिलाया तो बोला कि हम नहीं दे रहा नर्स हुआ, ठीक है। हम भागे अभी मुंगेर से हम भागे आए, उसके बाद भागे आए तो उसके बाद बच्चा देख रहा हूँ कि नहीं है। अच्छा, तो उसी लिए हम हंगामा कर रहे थे कि मेरा बच्चा चाहिए और कुछ हमको नहीं चाहिए। कितने बजे बच्चा को तुम देखते हो? हम 2 बजे मतलब हम देखे हैं बच्चा को, उसके बाद हम नहीं देखे। अभी आज क्या देखा कि बच्चे गायब? बच्चे गायब। मामला है कि एक बच्चा जो यहाँ पर था भर्ती, तो उसको उसकी माँ ने मांगा या किसी ने मांगा और उसको हैंड ओवर करने के लिए दे दिया, लेकिन बाद में वो बच्चा यहाँ अंदर है नहीं। इस प्रॉब्लम का जड़ वहाँ से होता है, जो मदर के अलावे बहुत सारे लोग उसमें जो आ जाते हैं तो लोकेट करना मुश्किल हो जाता है कि कौन उसकी माँ है और कौन उसका क्लोज रिलेटिव है। अभी इसके लिए जांच हो रहा है, वीडियो खंगाला जा रहा है, आखिर हुआ ऐसा क्यों है। प्रथम दृष्टांत क्या लगता है? प्रथम दृष्टया अभी कुछ अनुमान करना मुश्किल है, लेकिन अभी बच्चा नहीं है यहाँ पर, तो कुछ न कुछ तो गड़बड़ी है। हम लोग जाँच से वहाँ